Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. हरदीप सिंह निज्जर, ये नाम भारत में फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। इस एक नाम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि हरदीप सिंह निज्जर आखिर कौन हैं, जिनके लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को देश की संसद में बोलना पड़ा। 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर का ताल्लुक पंजाब के जालंधर में भार सिंहपुरा गाँव से था और इसी साल जून के महीने में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई। हत्या की घटना कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में हुई थी। तब पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते बताया था कि निज्जर की दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भारत सरकार के मुताबिक निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के सदस्य थे। वे खालिस्तान टाइगर फोर्स के संचालन, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। पंजाब सरकार के अनुसार निज्जर के पैतृक गांव भरा सिंहपुरा में उनकी जमीनें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने जब्त की थी। निज्जर 2020 में एक अलग खालिस्तान राष्ट्र के लिए ऑनलाइन अभियान सिख रेफरेंडम 2020 में शामिल थे। यह अभियान भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से चलाया गया था। 1997 में निज्जर कनाडा पहुंचे थे और शुरुआती दिनों में कनाडा में एक प्लम्बर के रूप में काम करते थे। भारतीय जांच एजेंसी NIA के मुताबिक 2013-14 में निज्जर कथित तौर पर पाकिस्तान गए थे और यहां उनकी मुलाकात खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख जगत सिंह तारा से हुई थी। इस बीच वो लगातार भारत सरकार की रडार पर थे। निज्जर को किसने मारा ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस हत्याकांड की गूंज कनाडा समेत कई देशों में सुनाई दी। खालिस्तान समर्थकों ने निज्जर की हत्या के खिलाफ कनाडा के टोरंटो के अलावा लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को समेत कई शहरों में जुलाई में प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उनका आरोप था कि भारत सरकार ने ही निज्जर को मरवाया है और अब यही बात कनाडा ने आधिकारिक तौर पर कही है, जिससे भारत सरकार ने सख्ती से इनकार किया है।